नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हम लड़ाएंगे, ब्लॉक प्रमुख का लड़ाएंगे, फिर जिला पंचायत में जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो हमारे पार्टी के लोग एलायंस की बात की आज करना नहीं छोड़ते हैं और ये लगातार कहते हैं उनका अस्तित्व तो नहीं है, क्या कहेंगे? अब देखिए, अब सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है और देश के लोग जानते हैं उनके बारे में। उनके बारे में हम क्या कहें जब सब जानते ही हैं है? और उन उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, किस मुकाम पर थी समाजवादी पार्टी, क्या किस मुकाम पर थी और आज कहाँ आ गई पार्टी। नेताजी क्या कहेंगे जिस तरीके से मुरादाबाद में जो घटना हुई है, चाहे मीडिया की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक मुकदमा भी लिखा। देखिए, जेड प्लस एक तरफ तो जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो वहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को देखना चाहिए था कैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो सीधा सा निशाना आपका बीजेपी पे है कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रशासन पे है? हमारा प्रशासन की चूक है, प्रशासन की चूक। क्या ये ठीक रहा जिस तरीके से मुकदमा कायम कराया गया? एक देखिए, कहीं पर भी झूठ मुकदमे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो प्रशासन की चूक। प्रशासन जब जेड प्लस सुरक्षा है तो किसकी जिम्मेदारी है? अभी हमारे पास जेड सुरक्षा है तो प्रशासन की है जिम्मेदारी, यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे साथ जो सिक्योरिटी लगी उसकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से शांति से बात क्यों हो रही है? ऐसे बात हो जाए। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।